Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. Good morning everyone. This is Golak Chandra, Besties में Crown Director, 2 लाख per month income. आज जानेंगे Besties के शुरुआत कैसे करा जाए. सबसे पहले जानते हैं शुरुआत कैसे करें, कहां से करें और किसके साथ करें. कभी भी, कहीं भी और किसके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं. सबसे पहले हम Besties के उत्पादों को इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ Besties के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानना है. हमको शुरू करने के लिए Besties के सारे जानकारी हमें लेना चाहिए. आप ऐसे विचार मत रखिएगा Besties को सिस्टम को बिना फॉलो करे आप आगे जा सकते हो. हो सकता है आप कुछ समय के लिए कामयाबी हासिल कर लो, लेकिन याद रखें आपसे तो ये कुछ समय के लिए कामयाबी हो गया बट आपके डाउनलाइन के साथ ऐसा नहीं होगा. इसीलिए ये सिस्टम को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. दोस्तों Besties की जो एजुकेशन सिस्टम हमारे मैनेजमेंट अनुभवी लोगों के द्वारा बनाया गया है. इसमें सारे खूबियां हैं ये जो कि दूसरे के द्वारा जो गलतियां किया गया है यहाँ पे ना दोहराए. आप और आपके डाउनलाइन इसी गलतियों से सीखे और सबक ले और दोबारा ये गलतियां ना दोहराए. जो व्यक्ति सिस्टम फॉलो नहीं करता है उसी व्यक्ति का नेटवर्क का जिंदगी यानी जीवन बहुत कम होता है. वो बार बार वही गलतियां दोहराता है. वो स्वयं अपना बिजनेस की नाकामयाबी का कारण बनता है. दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसी बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहिए तभी वो बिजनेस सक्सेस हो सकता है. दोस्तों Besties में कामयाबी डुप्लीकेशन से, सिस्टम फॉलो से और गुणित करने से मिलता है. एक पॉजिटिव सक्सेसफुल ऑफलाइन को आदर्श मानो और उनके तौर तरीके को फॉलो करो और डुप्लीकेट करो. पहला कदम उत्पादों का प्रयोग करना. आपकी घर में ये प्रोडक्ट्स उपयोग हो रहे हैं जो Besties के पास हैं तो आपको कंपनी के ही प्रोडक्ट्स उपयोग करने चाहिए. जैसे चाय, पेस्ट, साबुन, कुकिंग ऑयल, मल्टीविटामिन्स, हैंड वॉश, शेविंग क्रीम. जब आप स्वयं Besties के उत्पादों का प्रयोग करेंगे तो आपका उन पर विश्वास बढ़ेगा. Besties हमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले मान्यता प्राप्त हेल्थ सप्लीमेंट प्रदान करती है जिसकी कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य सप्लीमेंट से काफ़ी कम है. जब ये जानकारी आप किसी अन्य से शेयर करते हैं तो ये आपकी आमदनी का साधन बनती है. दूसरा कदम उत्पादों के बारे में साझा करना है यानी शेयर द प्रोडक्ट. आप जितने अधिक उत्पादों के बारे में बातचीत करेंगे उतनी ही अधिक आपके ग्राहक होंगे यानी कि TTP, टॉक टू पीपल. इसीलिए जितना हो सके उत्पाद की जानकारी साझेदारी और विज्ञापन करें. आप बीमार व्यक्ति के इलाज करने की कोशिश ना करें. Besties के उत्पाद आहार अनुपूरक है. ये उत्पाद कोई दवाई नहीं, ना ही आप डॉक्टर हो. जो प्रेस्क्रिप्शन दें लोग अक्सर समझते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ क्यों मैं उत्पाद खाऊं, लेकिन ये आहार पूरक स्वस्थ जीवन के आनंद लेने की जरूरी है. तीसरा कदम लिस्ट बनाइए. यहाँ पर लिस्ट बनाना जरूरी है क्यों? जितना लोगों को आप जानते हो बिना सोच समझ के उनके बारे में, इसको बोलते प्री जज नहीं करके, आप अपने रजिस्टर में उन लोगों का नाम लिखिएगा. जैसे उदाहरण रूप में जब भी आपके लड़की का शादी या लड़का का शादी होता है तो जैसे आप लिस्ट बनाते हो किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, इसी टाइप का बिना प्री जज करते हुए आपको लिस्ट यहाँ पर बिल्डिंग करना है. और लिस्ट बनाने के बाद कम से कम डेली 5 व्यक्ति को आपको बात करना है उसी लिस्ट रजिस्टर से. और कभी आप एक व्यक्ति के ऊपर ना रुकते हुए आपको आगे बढ़ना है. जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी टीम और उतनी बड़ी आपकी कामयाबी मिलेगी. चौथा कदम में संपर्क
और आमंत्रण करना है। आपने जो लिस्ट बनाया है उसी लिस्ट से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे। और याद रखिएगा, फोन पे कभी पूरा जानकारी आपको नहीं देना है, आपको उन्हीं के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना है और उनके साथ बात करके उनके समय लेके आपको प्रोग्राम दिखाने का समय निर्धारित करना है। फोन पे बात करते समय आपको एक शैली में बात करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है फॉर्म, FORM। एफ यानी फैमिली के बारे में आपको बातचीत करना है, यानी कि आप कैसे हो, आपके परिवार में कैसे हैं, सबका तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं, पहला कॉल में फैमिली के बारे में आपको बात करना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, वो बोले तो ऑक्यूपेशन, वो व्यक्ति क्या करती है, क्या करता है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या बिजनेसमैन है, जैसे भी आपने लिस्ट में लिखा होगा उस हिसाब से उनके ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पूछना है। तीसरा नंबर पे आते आर, आर बोले तो रीजन, यानी आपने उन व्यक्ति को किस लिए फोन किया है। आप जब भी उनके रीजन के बारे में उनको बताओगे, मैं इसीलिए फोन आपको किया, ऐसे अगर मैं बात करूं, मैंने हाल ही में एक हेल्थ एंड वेल्थ में पार्टिसिपेट किया जहां पे आपके जैसे व्यक्ति और तुम्हारे जैसे व्यक्ति, जैसे आपके साथ वो संपर्क है उसी हिसाब से आप बात कर सकते हो, आज हेल्थ के साथ साथ वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। एम बोले तो जब भी वो पूछेगा क्या करते हो आप, और आप मैसेज क्लियर में बताओगे, मैंने हाल ही में एक हेल्थ एंड वेल्थ में पार्टिसिपेट किया और फॉर्चुनेट आप हो, इसी संडे को हमारे इसी प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहे 45 से लेके 60 मिनट तक, घंटा नहीं बोलना आपको, 45 से लेके 60 मिनट तक आपके मूल्यवान टाइम का 40 से 45 मिनट यानी 60 मिनट तक आपको प्रोग्राम को आपको बताएंगे। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं उसी दौरान आप फोन करते समय आपको 5C का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना। सेकंड में जब आप उनसे बात करते होंगे तो उनका तारीफ करना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हम करना उनके। कोई भी व्यक्ति दूसरे के फायदा नहीं सुनना चाहता है, हमेशा वो अपने फायदा सुनना चाहता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट करना है। तीसरे में उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करना, यानी कि क्यूरियोसिटी पैदा करना है। चौथे में आते हैं कंट्रोल, आप अपने आप को कंट्रोल करके बात करना, हमेशा लिसनर बनना है, उनके बातों को सुनना है, देन आप जवाब देना है। और पांचवा चीज जो है आखिरी में, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। जब आप बात कर लोगे ऐसे तो आप उनसे एक कमिटमेंट लीजिए, जो कि कल शाम को यानी जब भी आपका टाइम सेट करें तो इसी दौरान आप मुझे 40 से 45 मिनट मेरे को टाइम दे रहे हो और यहाँ मिल रहे हम। हमारा जो पांचवा कदम आता है उसको बोलते हैं प्लान दिखाना, यानी कि CNT, यानी दो सो द प्लान, यानी कि प्रेजेंटेशन। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा बेस्टीज के अंदर। जब आप प्लान दिखाओगे उसी दौरान 40 से 60 मिनट के अंदर दोस्तों बेस्टीज में आपकी सफलता का मजबूती आपके प्लान दिखाने के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक स्वयं आपको प्लान दिखाना नहीं आएगा तब तक आप ऑफलाइन के ऊपर डिपेंड ही रहोगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा नहीं। ये 100% है, जब शुरुआत आप करते हो तो आपको प्लान दिखाना आएगा नहीं, आप ऑफलाइन का मदद ले सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करना आप स्वयं प्लान दिखाना आपको जितना जल्दी आ जाए। हर रोज कम से कम 5 व्यक्ति को आपको ये प्रेजेंटेशन, ये बेस्टीज के बारे में जानकारी आप दो। आप ये जान जाए प्लान दिखाने के टाइम हर व्यक्ति का प्राइमर फैक्टर PMF जो होता है अलग अलग होगा, उसको जानकारी आपको होना जरूरी है। दुनिया में हर व्यक्ति आप कोई ना कोई चीज़ को प्राथमिकता देता है लाइफ में, अगर आप वही प्राथमिकता को उसी प्लान को दिखाते दौरान अगर आप उसके हॉट बटन पे चोट लगा सकते हो तो आप सफल हो जाओगे। दोस्तों ये कार्य में अधिक आपको सहायता करेगा अपना खुद का व्यक्तित्व। प्लान दिखाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो कि आपको
आपने ड्रेस कोड पे रहना है, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूँ योर ड्रेस इज योर एड्रेस। चेहरे पर आपके कॉन्फिडेंट और मुस्कान रखना है, मधुर आवाज, आंखें मिलाकर बात करना, नवीन जानकारी रखना और आपके पास बेस्टी रिलेटेड सारे टूल्स आपके बैग में होना जरूरी है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और छठा कदम जो होता है हमारा बेस्टीज में वो होता है टीम वर्क। टीम वर्क बोले तो कोई भी व्यक्ति बेस्टीज में तब तक सफल नहीं होगा जब तक वो टीम डेवलप नहीं करेगा और टीम वर्क नहीं करेगा। जैसे आपने आसमान में देखे होंगे एक के पीछे एक चिड़िया उड़ते हैं क्योंकि उनका जो लीडर है आगे उड़ता है तो उसको फॉलो करके वो पीछे उड़ते हैं। ऐसे हमारा टीम वर्क होना जरूरी है। सातवां कदम है फॉलो अप, जो कि छः जो मैंने आपको बताया वो छः कदम को आपको रोजाना फॉलो करना है। यानी कि पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल आपको करना है, सेकंड में आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दोगे, तीसरा में आपने लिस्ट ही बिल्डिंग करना है, चौथा में उसी लिस्ट से आपको निमंत्रण करना है, पांचवा में काम है आपको प्लान दिखाना यानी CNT करना है, और छठा काम जो है टीम वर्क, और सातवां काम है इसी काम को फॉलो करना है। यही है हमारा काम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यही 7 कदम को फॉलो करके आप अपने लाइफ में ट्रेमेंडियस चेंज ला सकते हैं, और यही 7 कदम करके आज बेस्टीज में 1 लाख से लेके 70 लाख आज कमा रहे हैं और बड़े बड़े गाड़ियां चला रहे लाइक जागुआर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये तमाम चीज़ आज बेस्टीज में लोग ले पाए। दोस्तों यही काम करके मैं आज बेस्टीज के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनाऊं और पर मंथ 2 लाख रुपया इनकम आ रहा मेरा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। वी सी वेल्थ।